गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूरोप चैनल। सो कल का व्लॉग में बाय बोलना भूल गया था, बट आज हमने वापस से राइड स्टार्ट कर दी है। तो आज की राइड होने वाली है यमुनानगर से वापस अपने घर दिल्ली, जिसके अंदर हम बीच में मुरथल पे भी एक स्टॉप लेंगे। अभी का अगर अपडेट दूं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है और धूप बहुत ज्यादा तेज है, बट स्टिल टाइम से निकल गए हैं क्योंकि टाइम से शाम को वापस घर भी पहुंचना है। ट्रिप टू जीरो करना भूल गया था तो ट्रिप टू को मैंने जीरो कर दिया। अभी निकले हुए मुश्किल से 500-800 मीटर ही हुए होंगे, सो नाउ इट्स जीरो अगेन एंड टोटल किलोमीटर इज 199। तो 200 किलोमीटर हमें चलना है। गूगल मैप के हिसाब से हमें लगने चाहिए 3 घंटे 38 मिनट्स और 4:49 PM पे हम घर पे होने चाहिए। बट डेफिनेटली मैं हॉट लेके जाने वाला हूँ इस राइड पर भी, बिकॉज मैं पिलियन के साथ हूँ और उनके साथ मैं हमेशा बड़े ही तवज्जो से चलाता हूँ और आराम से चलाता हूँ, यू नो। सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं थोड़ा लोकल भी घूमा, रिकॉर्ड नहीं करा, गोप्रो घर पे पड़ा हुआ था, बिना गोप्रो के ही निकल गए थे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। कुछ फोटोज़ मैंने पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे, जाकर के स्टोरी चेकआउट कर सकते हो, एडवॉक्स नाम से है यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो। सो ऑलराइट गाइस, टाइम इज नाउ जब हम ये लोकल छोड़ करके पकड़ने वाले हैं हम एक नेशनल हाईवे एंड दिस इज हाउ वी जॉइन द हाईवे। इतनी धूप हो रही है सर के ऊपर, बट फिर भी एक्साइटमेंट लेवल जो है बाइक पे बैठने के बाद वो कम नहीं होता है। वाओ, दैट्स बाइकिंग। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट 34-35 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड हमें यहाँ से लेना है लिफ्ट, और जो मेरा पिलियन है वो तो हो चुका है बिल्कुल स्लीप मोड के अंदर। उस पीछे वाले रोड पे ना पूरे जगह पे ट्रक्स चल रहे हैं क्योंकि डिवाइडर है नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों ट्रक्स चल रहे हैं और ट्रक ट्रक को ओवरटेक कर रहा है भाई। बहुत ही खतरनाक तरीके से डॉच करते हुए आ रहा हूँ मैं सब चीज़ों को। इतनी ज़्यादा गंदी मिट्टी उड़ रही है, आई डोंट नो गोप्रो के लेंस पे तो नहीं आ गई, मैं साफ़ करना था मैं भूल गया, लेट्स सी कि उस पर आई ना हो, बस आगे साफ कर लूँगा। एंड नाउ फाइनली मौसम भी हमारी टीम में आ चुका है। दिल्ली 151 किलोमीटर है, करनाल 25 किलोमीटर। सो अपनी जर्नी के अंदर अब मौसम जो है फिटर हो गया है। अभी तक धूप चल रही थी, अब धूप जा चुकी है, बादल आ चुके हैं, मौसम अच्छा लगने लग रहा है। आई डोंट नो मैंने कितनी बार ये मौसम वर्ड बोल दिया होगा, बट मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रहा था। दिस डैम डैम ट्राई कर रहा हूँ देखने का पर दिख नहीं रहा है। एंड अब जाकर के हम थोड़े से बेटर हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं, बिकॉज मुझे याद आ रहा है हम कल भी यहाँ से आए थे तो इट वॉज वे बेटर पीछे वाले के कंपैरिजन में। दिल्ली 148 किलोमीटर्स बता रहा है, अब हम काफ़ी जल्दी ट्रेवल्स कर लिए कुछ 5-10 किलोमीटर आखिरी के। सो फार सो गुड, 47.4 किलोमीटर टोटल हो चुके हैं, 2:38.9 मिनट्स। ये बच्चों को कौन दे रहा है हाथ में स्कूटी? एक छोटा सा हाइड्रेशन ब्रेक, गोप्रो को भी मैंने साफ कर लिया लेंस को, होपफुली विजिबिलिटी में आपको भी फ़र्क लग रहा होगा, पीछे बहुत मिट्टी उड़ रही थी। सो चलते हुए करीबन 1 से 1.25 घंटा हो चुका है, 64 किलोमीटर्स निकाल लिए हमने इतनी देर में, और अभी बचे 137 किलोमीटर्स और ढाई घंटा और लगेगा। एंड हमारे चलते वापस मौसम चेंज हो गया, बीच में वापस धूप आ गई थी, ऐसे ही हुए जा रहा है ये, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप आ रही है कभी हट रही है। सो हाँ अच्छा लग रहा है यार पानी पी के, पानी की जो प्यास है उसे पानी बुझा सकता है। पीछे मेरे राइट पे करनाल की कोई यूनिवर्सिटी निकली है एंड अब हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट दिल्ली के लिए। अगर हम आगे से लेते हैं राइट तो हम निकल जाएंगे टूवर्ड्स अम्बाला, एंड अगर हम लेते लेफ्ट तो हम ले लेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। तो आपको याद होगा मेरे लास्ट व्लॉग में भी आपको ये वाला गेट दिखाया था उस साइड से जो हमने यमुनानगर के लिए एंट्री ली थी, एंड ये वही पॉइंट था जहाँ पे मेरे को यमुनानगर का बोर्ड पहली बार दिखा था एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड। और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी दिल्ली की तरफ, सो एक्साइटमेंट अभी भी उतना ही है। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो वो कोने में लगा हुआ एक बोर्ड, दिल्ली टू लेफ्ट है और अम्बाला, यहाँ से अंडर पास होते हुए निकल जाओगे तो सीधा अम्बाला।
मैप्स पर गूगल दी थी, ये हमारा नेशनल हाईवे 44 आगे हमें मिला देगा। और आपको पता ही, नेशनल हाईवे 44 फिर सीधा हमें दिल्ली ही उतारने वाला है, कहीं और नहीं जाएगा। और इसी नेशनल हाईवे 44 पे ही आई गेस मुरथल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं बस गेस करके बता रहा हूँ। और मुरथल पे हम अपना स्टॉप लेंगे डेफिनेटली, मेरा फेवरेट हवाई अड्डा है। बट लेट्स सी, इस बार अगर हम कुछ और चेंज करना चाहें तो वो शायद चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज हवाई अड्डा के लिए हमें दूसरे लेन में जाना पड़ेगा। एंड ये हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 44 के ऊपर, और अब अपनी जर्नी होगी हाईवे के अकॉर्डिंग। सो लेट्स गो। पूरा लेन कवर कर लेते हैं इतने बड़े हैवी व्हीकल्स, दिक्कत होती है फिर। बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट भी है, इधर जाएंगे तो इस साइड एयरपोर्ट आ जाएगा। बट हम तो अपना स्ट्रेट चलते रहेंगे हाईवे पे। पानीपत 29, सोनीपत 79 एंड दिल्ली 120 किलोमीटर स्ट्रेट। अमेजिंग। भाई पता भी नहीं चला चलते चलते कि हमारा पहला टोल आ चुका है। वाओ, अभी तो हमने मजे से चलना स्टार्ट ही किया था और फर्स्ट टोल बूथ हम अपना क्रॉस कर चुके हैं। एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज पीछे भी हमने रुके, हल्का सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया था और मज़ा आ गया यार उसको लेकर के। सो दिल्ली इज 119 किलोमीटर, 2 घंटे अभी दिखा रहा, अभी पहुंचने में लगेंगे। असंभव। यही वर्ड मेरे को याद आ रहा था, बिकॉज इतनी जल्दी, अभी तो अभी हमने अपना फर्स्ट टोल क्रॉस करा था एंड अभी सेकंड टोल आ गया है। और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये मुरथल वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी अब से। लेट्स सी। जगह तो है दिल्ली सोनीपत स्ट्रेट। लोगों ने अपने क्रॉस करने के लिए दूसरों की जान खतरे पर डाल रखी है।
बहुत लंबा रिकॉर्ड कर दिया इस बार मैंने, बट हाँ आई वॉन्ट टू शो यू कि हाउ आई एम ड्राइविंग। आई होप मेरी राइडिंग स्किल्स जो है वो आपको इंस्पायर ही करती होगी। आई एम नॉट डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली बैड, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आगे एक हमारा मंदिर आएगा गोपी धाम, सोच रहा हूँ वहाँ के भी दर्शन कर लिए जाएँ। तो पहले मैप में उसको ऐड करता हूँ स्टॉप को, एंड देन वी विल गो देयर, लेट्स डू दैट। आगे गाड़ी भी रुकी हुई यहीं पर, पीछे रुक जाते हैं, इसके डिपर हमारे काम आएंगे। टाटा नेक्सॉन। नाइट ट्रिप के 111 हो गए थे, अभी 112 हुआ। मैं इसलिए धीरे धीरे चला रहा था ताकि रिकॉर्ड कर पाऊँ, आई होप कि वो रिकॉर्ड हो गया हो 111। वापस से रुका था थोड़ी देर के लिए, आंखें भारी हो रही है, हल्की सी नींद सी आ रही है, तो डिसाइड करा कि धीरे धीरे चलाते हुए जाऊँगा। 15 मिनट्स दूर ही है गुप्ती धाम। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा आगे से आना पड़ा, बट दिस इज दी गुप्ती धाम। पार्किंग बना रखी है, ठीक है। चलो अच्छी चीज रास्ते में थी तो डेफिनेटली इसके दर्शन करने बनते हैं, तो हम दर्शन करते हैं और आपसे फिर कंटिन्यू करते रहे। अगर आप यहीं से आर्किटेक्चर देखो तो कितना जबरदस्त आर्किटेक्चर है ये, बहुत ही प्यारा, लाइक इतना ऊंचा, और आप इसके कारीगरी देखो अगर पत्थरों पे तो बहुत ज़बरदस्ती लग रही है। यहाँ से पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा होगा, और वहाँ बड़ा बड़ा लिखा है गुप्ती धाम। तो चलो बाइक को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, दिस इज़ द पार्किंग सेफ प्लेस। आप सोचोगे एकदम वियर्डली मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग को, तो भाई बहुत बड़ा लॉल हो गया। हम वहाँ पहुँचे थे तो सेफ साइड पे रहने के लिए मैंने लेंस पे उसका कवर लगा लिया, और निकलते हुए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी विदाउट वो कवर रिमूव करे। इससे पीछे मैं पेट्रोल भी फिल अप कराया, एंड मैं बहुत सारी बातें कर रहा था, बहुत सी चीज़ें बता रहा था, बट बाद में मैंने एकदम से नोटिस करा कि आगे कुछ हल्का हल्का ब्लैक सा क्या दिख रहा है, देखा था वो कवर लगा हुआ था। तो सारी फुटेज हो चुकी है वो वेस्ट, सो कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो फिलहाल का जो अपडेट है, हमने कंटिन्यू कर लिया अपनी जर्नी को, 143.4 किलोमीटर्स हो चुके हैं टोटल, और वो बहुत ही सुंदर जगह थी जहाँ पे हम रुके थे। तो अगर आप दिल्ली से टूवर्ड्स पानीपत या सोनीपत इस वाले पे हो, नेशनल हाईवे 44 पे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक हॉल्ट दे करके दर्शन ज़रूर करो। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट, दैट्स इट। तो बहुत अच्छी जगह है, मैं 100% रिकमेंड करूँगा। एनर्जी की सख्त ज़रूरत है फिलहाल, तो आई कैन से दिस टोल प्लाजा वॉज नीडेड इन डीड रियली, बिकॉज टोल प्लाजा गिव्स मी सम सॉर्ट ऑफ केक कि वाओ मैंने एक और टोल क्रॉस कर लिया है। एंड ये हमारी जर्नी का आखिरी टोल है, इसके बाद हमारा ढाबा का हब विच इज़ मुरथल वो है, एंड काफ़ी सारे ढाबा आएंगे लाइन लगा के, तो सॉर्ट ऑफ हम अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम भी यहीं पर करने वाले हैं कहीं, बट पहले ये टोल क्रॉस कर किया जाए। बाइक लेन कहाँ है हमारी, ये कैसा ट्रैफिक है बाइक लेन के लिए भी। देख रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है अभी, पता नहीं क्यों।
हमारी प्यारी बाइक लिंग। ओहो चल रहे हो जी, सामने हवेली है, सो आई एम गेसिंग कि हवेली चल रहा जाए। गाइस मजा नहीं आया मेरे को यहाँ पे, बाइक को इज्जत से खड़ा नहीं करने दिया। हाँ निकल आए हवेली में, हम रुके नहीं, रीज़न यही था, थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड सा भी लग रहा था। एक ये है गरम धर्म एमरिक और इसके बाद आएगा हवाई, सो प्रॉब्ली हवाई अड्डा ही चलते हैं बिकॉज मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हवाई अड्डा पे, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हूँ शायद मुझे नहीं पता क्या है। एमरिक देख लो यहाँ से, ये गरम धर्म है और उसके आगे एमरिक है। This is Amrik. ये रहा हवाई अड्डा, अब पर पता नहीं हवाई अड्डा जाने का भी मन नहीं कर रहा। मौसम में भी अच्छा हो गया है इसलिए मेरा मन कर रहा है कि अब थोड़ी देर बाइक चला ली जाए चुपचाप से। Once I feel good, then only I can eat यार, ऐसे नहीं कभी भी कहीं पे भी खा सकता हूँ मैं। अच्छे खासे किलोमीटर्स अच्छी खासी स्पीड पे निकालने के बाद पता नहीं क्यों ये वाला ट्रैफिक देखने को मिलता है। मे बी वर्क चल रहा है फ्लाईओवर पे और नीचे से कोई जाना नहीं चाह रहा, नीचे भी वर्क चल रहा है। नाउ वी हैव टू मेक अ डिसीजन, नीचे या ऊपर, बड़ी से जल्दी एमसीडी टोल। हमें थोड़ा ना कोई टोल देना है, व्हाई ये क्यों कर रखा, लाइक व्हाई व्हाई इज दिस व्हाई। ओके गुड डिसीजन ऊपर से जाने का। अरे मैं तो नीचे से जा रहा था पर फिर देखा कि एमसीडी टोल की लाइन है, वो देखो वो यहाँ पे एमसीडी का टोल, तो था मगर इसमें क्यों फंसे, अपन मस्त चलेंगे यहाँ से। ओ वाह बड़ा सुंदर पार्क है, तिरंगा हमेशा ऊंचा है। ऑलराइट गाइस लास्ट 15 किलोमीटर ही बचे इस जर्नी के और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने घर। भूख का तो ऐसा सीन है कि भूख लग तो रही है पर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो हम नींबू पानी पी पी कर या कुछ भी ऐसी ड्रिंक पी के अपना काम चला रहे हैं। अभी भी दो ग्लास वो पी लिया मैंने सोडा, तो वापस से पेट भर गया, अब कुछ खाने का दोबारा मन नहीं कर रहा गर्मियाँ भाई गर्मियाँ, बहुत तगड़ी गर्मी। सुनने में तो आया था दिल्ली में मस्त बारिश वारिश होने वाली, पता नहीं कब होगी कहाँ होगी कैसे होगी। मुर्तल से एग्जिट लेते हुए हमेशा एक कट आता है राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, वो हमेशा मेरा छूट जाता है ऑलवेज, मैं कभी उस रास्ते से आ ही नहीं पाया, हमेशा मेरे को फिर हमेशा इसी रोड से जाना पड़ता है। इस रोड से कोई प्रॉब्लम नहीं है एक को छोड़ के, विच इज़ कि यहाँ पे रेड लाइट्स काफ़ी हैं और उस वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत होता है, तो अल्टीमेटली स्लोअर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। फाइनली ऑलमोस्ट घर पहुँच चुके हैं, सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड आज की वीडियोस में आपको अगर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अपने N250 के ऊपर
ऐसे ही शॉर्ट अनप्लान्ड राइड्स पे जाना पसंद करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, कभी भी उठा के ले चल देता हूँ। एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाना ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, एंड अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए सो आई कैन इम्प्रूव दे। बाकी मैं आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राइड करते रहो, सेफली राइड करते रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय। लगा ये टर्न।